का मध्य प्रदेश पर असर दिख रहा है। तेज हवा और गरज चमक के साथ बारिश भी हो सकती है, तो राजधानी के आसपास के शहरों में बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है, तो लोकेलाइट सिस्टम का मध्य प्रदेश में भी असर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से येलो अलर्ट जारी किया गया और साफ तौर पर मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि गरज चमक के साथ बारिश भी हो सकती है। मध्य प्रदेश में तेज गर्मी के बाद अब मौसम ने करवट ले लिया है और हमारे साथ वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक ममता यादव हैं, हम उनसे जानेंगे। मैडम, अचानक से मौसम ने करवट ले लिया है, क्या कारण है? अभी लोकलाइज कन्वेक्टिव एक्टिविटीज चल रहे हैं प्रदेश के काफी सारे इलाकों में, विशेषकर भोपाल, सीहोर, रायसेन, विदिशा, सागर, नीमच, मंदसौर और श्रीपुर कला, गुना, इन जिलों में अभी सीबी क्लाउड्स बने हुए हैं। वहां पर गरज चमक की स्थिति है और तेज हवाएं भी चल सकती हैं। कहीं कहीं पर अल्पकालिक ओलावृष्टि होने की संभावना भी है। कब तक इसी तरह का मौसम फिर बनेगा रहेगा? आगामी दिनों में भी मौसम में उतार चढ़ाव बने रहेंगे। मई के अंतिम सप्ताह में यानी 22, 23 और 25 के आसपास भी प्रदेश के विभिन्न इलाकों में बरसात देखने को मिलेगी। बीच में कुछ दिन ऐसे भी मिलेंगे जहां पर की तेज धूप खिली रहेगी और शाम में हल्की बरसात या शाम में बादलों का जमावड़ा देखने को मिलेगा। तो प्रदेश में जो है आगामी दिनों में मिला जुला मौसम बना रहेगा। कौन सा सिस्टम अभी जो प्रदेश में जारी है, मतलब अपना मानसून बनाया हुआ है सिस्टम? अभी देखिए, हाल फिलहाल तो लोकलाइज एक्टिविटी सक्रिय है। आगामी समय में कुछ WDs गुजरेंगे और विंड पैटर्न्स में थोड़े चेंजेस होंगे, जिसके चलते मौसम में परिवर्तन देखने को मिलेंगे। हमारे साथ ये वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक ममता यादव थी, जिन्होंने कहा कि आगामी समय में भी मौसम में परिवर्तन देखने को मिल सकते। फिलहाल मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश के कई इलाकों में येलो अलर्ट जारी कर दिया है। बंसल न्यूज के लिए वीडियो जर्नलिस्ट डिंपल विश्वकर्मा के साथ दीपक द्विवेदी, भोपाल।